वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 14.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 14। तो 14 क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमको कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं, जैसे आकार दिया गया है, घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समित का क्रम, घूर्णन का योग, ये सारी चीज, घूर्णन का कोण, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं और हमें यहाँ पे आकार जो है वो लिखना है। उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें बतानी है। तो पहला जो है इन्होंने हमको बताया है वर्ग, ठीक है। इन्होंने पहले आकृति जो दी है वो हमको वर्ग दी है। तो भाई वर्ग कैसी आकृति होती है? तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों भुजाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, साथ ही सारे कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, वो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले कहा है घूर्णन का केंद्र, मतलब जब इसको घुमाएंगे तो घूर्णन का केंद्र कहाँ बनेगा। तो भाई हम इसको घुमाकर देख ले, यानी घुमाकर केंद्र में पता करना है। तो ये इसकी भुजाएं ही तो घूमेंगी तो हमारे कुछ विकर्ण बनेंगे। जो विकर्ण का केंद्र होगा, मतलब विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही घूर्णन का केंद्र होगा, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा ये चीज, तो हम इस तरीके से लिख देंगे विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा घूर्णन का केंद्र। अब तीसरा पॉइंट जो है इन्होंने कहा है घूर्णन सममिति का क्रम। अब घूर्णन सममिति का क्रम इसमें कितने बन रहे हैं वो हमको देखना है। भाई चार भुजाएं हैं तो हमको घुमाना पड़ेगा, चार बार ही घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो घुमाकर देख लेते हैं, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा वर्ग, ठीक है। मान लो पी पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, वर्ग बन गया है, हमारे कर्ण होते हैं। तो क्या किया हमने, 90 डिग्री इसको घुमाया। चाहे तो आप यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हो। तो इस वक्त पी पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस तरीके से हमारी आकृति क्या मिलेगी हमको, पी पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर हमने इसको 90 डिग्री जो है वो घुमाया, 90 डिग्री इसको घुमाया हमने, तो फिर से हमको एक वर्ग ही मिला। इस बार क्या है कि हमारा पी पॉइंट जो यहाँ पे था वो हमारा कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया। फिर हमने इसको 90 डिग्री है जो घुमाया, 90 डिग्री हमने इसको जब घुमाया, वापस से हमको एक वर्ग जो है वो मिला है। पर हमारा इस बार पी जो यहाँ पे था वो कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया। फिर हमने इसको 90 डिग्री जो है वो घुमाया, तो इस बार पी पॉइंट जो है वो हमारा यहीं पे पहुँचेगा, मतलब हमको ये आकृति मिल गई है। वही वर्ग था और हर बार हमको एक वर्ग ही मिला है, ठीक है। तो इसमें घूर्णन सममिति का क्रम पूछ रहे हैं, तो भाई कितने क्रम मिल रहे हैं हमको, हमको कितने क्रम मिल रहे हैं, कितनी बार हमने घूर्णन कराया है, 1 2 3 4 चार बार घूर्णन कराया है। तो यहाँ पे हमारा घूर्णन क्रम सममिति का क्रम में दिया जाएगा 4, ठीक है। अब ये कह रहे हैं घूर्णन का कोण, भाई हमने कितना घूर्णन कराया है, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी निकाल सकते हैं, चार भुजाएं हैं, ठीक है, और हर बार हमारा ये जो है आकृति सेम आ रही है। तो हमारा हमने घूर्णन कितने का कराया था, 90 का कराया था, ठीक है। और 90 बार घूर्णन जो हमने कराया तो हमारा वो आकृति जो है वो सममिति आकृति जो है वो हमको सेम मिल रही थी। तो मतलब इसका जो घूर्णन का कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। चलिए अब करते हैं अपना दूसरा पार्ट। अगली जो आकृति है वो है हमारी आयत। तो भाई आयत की खासियत क्या होती है, तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और सारे एंगल जो होते हैं, सारे कोण जो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब ये कह रहे हैं जो हमारा घूर्णन कराते हैं जब, तो इसका केंद्र क्या बनेगा, भाई जब हम इसको घूर्णन कराएंगे तो इसका केंद्र जो बनेगा वो बनेगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। मतलब जब हम विकर्ण बनाते हैं तो हमको ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है वही हमारा घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्रतिच्छेद, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, पूरा लिख दिया जाएगा, ठीक है, विकर्णों का प्रतिच्छेद
बिंदु, ठीक है, ये हमारा लिख दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं सममित का क्रम हमको बताना है, गुणन सममित का क्रम, मतलब कितने बार हम इसका गुणन कराएं कि हमको सममित आकृति जो है वो मिल जाए। हालांकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं, तो चार बार तो गुणन हो गए, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे कराते हैं, ठीक है, तो हम अपने आयत जो है वो हम बना लेते हैं। मान लो पी पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, पी पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे, और आपको बता दें यहाँ पे क्या होता है कि हम जब विकर्णों को, मतलब यहाँ पे नहीं, हम वर्ग की बात कर रहे हैं, जब विकर्णों को काटते हैं तो 90 डिग्री पे कटता है, पर इसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पे नहीं कटेंगे, यहाँ का एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ का एंगल कम होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको हमने बाहर, अगर चार भुजाएं हैं ना, तो हमने कैसे बताया था निकालना आपको, 360 बटे चार कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 आ जाएगा। मतलब हमें अगर 90 डिग्री का हम इसका घूर्णन कराते हैं तो इस बार जो आकृति हमको मिलेगी वो कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। अब बताइए ये आकृति सेम है, तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं सेम है, पी हमारा इधर था, इस बार पी जो है वो हमारा यहाँ पे मिलेगा आपके, ठीक है। फिर हमने इसका 90 डिग्री में घूर्णन कराया, अब 90 डिग्री में हमने फिर से जब घूर्णन कराया तो पी पॉइंट जो हमको आकृति, ये जो इस बार यहाँ आकृति मिले, और पी जो है वो हमारा यहाँ पे पहुंच गया। आकृति ये और ये सेम है, पी कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आकृति ये और ये हमारी सेम है। फिर हमने इसका 90 डिग्री में करा, क्या कराया, घूर्णन कराया। 90 डिग्री में जब घूर्णन कराया तो इस बार हमको ऐसी खड़ी आकृति मिली और पी जो है वो हमारा यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हमने 90 डिग्री का घूर्णन कराया तो हमको वापस से यही आकृति मिल गई और पी हमारा यहाँ से यहाँ मिल गया। मतलब हमको सममित आकृति कितनी बार मिली है, तो मिली है सिर्फ दो बार, मतलब एक तो ये है, दूसरी ये है, तो कितना क्रम हुआ हमारा, दो हुआ। अब ये कह रहे हैं घूर्णन का कोण क्या मिला, भाई कोण जो है हमने घुमाया तो 90 डिग्री से था, पर हमको सममित आकृति, सममित घूर्णन का क्रम जो हमको देखा है हमने, उसका कोण क्या बना रहते, तो भाई हमने इतना घुमाया तो नहीं मिला, फिर हमने वापस से 90 घुमाया फिर हमको मिल गया, मतलब 90 ये और 90 ये, मतलब जब हमने इसको 180 डिग्री पे घुमाया तो हमको ये आकृति मिली, वापस से हमने 90 ये मतलब 180 डिग्री पे घुमाया तो हमको यही आकृति मिली। मतलब घूर्णन का को हमारा जो कोण होगा वो हमारा होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह गया होगा, तो जल्दी से नोट करिए, फिर करते हैं अपना तीसरा पार्ट। अगली जो आकार है वो इन्होंने दिया है समचतुर्भुज। तो भाई समचतुर्भुज जो होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं भुजाएं, ठीक है, और ये हुआ हमारा समचतुर्भुज। इसके घूर्णन केंद्र की बात करते हैं तो भाई इसका घूर्णन केंद्र भी वही होगा जो हमारा विकर्णों को बनाने पर प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, मतलब इसका घूर्णन का केंद्र हमारा क्या होगा, ये मिलेगा जाके, ठीक है, तो ये मिलेगा जाके हमारा घूर्णन का केंद्र। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु वो हो जाएगा हमारा घूर्णन का केंद्र। अब ये कह रहे हैं घूर्णन का सममित क्रम बनाना है, ठीक है, तो सममित क्रम बनाना है तो भाई हमारा क्या है, ये कुछ इस तरीके की आकृति जो है वो हमारी समचतुर्भुज की दी गई है, ठीक है, इस तरीके की आकृति दी गई है। चार भुजाएं हैं तो मतलब 360 को चार से भाग करेंगे तो 90 आएगा, मतलब कितने का हम घूर्णन करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का घूर्णन हमने कराया। मान लो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, घूर्णन कराने पे हमको जो आकृति मिली है वो कुछ इस तरीके से आकृति मिली है, ठीक है, इस तरीके से आकृति जो है वो हमको मिल गई है। उस बार पी पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है, पी पॉइंट हमारा कहाँ पे पहुंच गया है, हॉरिजॉन्टल में पहुंच गया है। तो
90 डिग्री पे इसको अगर कराएंगे तो हमको सेम आकृति जो है वो नहीं प्राप्त होगी। ऐसे ही दिखने से आपको भले ही लग रहा होगा कि सेम आकृति प्राप्त हो रही है, जब आप एक समचतुर्भुज को लेंगे फिर उसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि हमको सेम आकृति जो है वो नहीं प्राप्त हो रही है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करेंगे, इसमें 180 डिग्री का ही घूर्णन कराएंगे, ठीक है। 180 डिग्री का, क्योंकि 90 इधर का, 90 इधर का, जब 180 डिग्री का घूर्णन कराएंगे तो हमको सेम आकृति प्राप्त होगी। बस क्या हो जाएगा, P जो है वो हमारा 180 डिग्री घुमा तो P जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस से इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमको यही आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो हमने कितने घूर्णन कराए कि हमको सममित आकृति प्राप्त हुई है, तो वो हमारे हो जाएंगे, घूर्णन का कोण जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, और दो बार हमने घुमाया है तो हमारा घूर्णन का क्रम हो जाएगा 2। तो इस तरीके से तीसरा पार्ट भी कम्प्लीट हुआ। अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। अगला जो है वो इन्होंने दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। मतलब इसमें जो तीनों कोण जो बनते हैं वो भी हमारे कितने के बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। मतलब तीनों कोण भी हमारे बराबर होते हैं। अब घूर्णन के केंद्र की बात करते हैं तो वो एक हम समबाहु त्रिभुज जो है वो हम बना लेते हैं। तो ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी जो मधिकाएं होंगी, ठीक है, उनसे जो हमको प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मधिकाओं से बना केंद्र है जो, ठीक है, या मधिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मधिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं घूर्णन कराओ भाई, घूर्णन कराना है तो कितनी बार में घूर्णन होगा हमारा, कितनी बार में होगा, तीन भुजाएं हैं, 360 को तीन से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, जाएगा 120 बार में, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम घूर्णन करा लेते हैं तो इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। मान लो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हमने 120 डिग्री जो है वो आया था, ठीक है। क्या 120 डिग्री कैसे आया ये भी देख लो, 360 को तीन से भाग दिया तो हमारा 120 आया, इसीलिए 120 डिग्री का ही हम घूर्णन करा रहे हैं। 120 डिग्री का घूर्णन कराया तो हमारी सेम आकृति जो है वो हमको मिल गई, यही सेम आकृति मिल गई। बस पी पॉइंट जो है वो यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमने 120 डिग्री का क्या कराया, घूर्णन कराया, ठीक है। 120 डिग्री का हमने जब घूर्णन कराया तो हमको फिर से एक समबाहु त्रिभुज ही मिला, ठीक है, इस तरीके से। और इस बार पी जो है हमारा यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, पी हमारा यहाँ पे आया। फिर हमने 120 डिग्री का घूर्णन कराया तो इस बार पी हमारा यहाँ पे आ गया। हमने मतलब कितनी बार घूर्णन कराया है तो सममित का क्रम हर बार हमको समबाहु त्रिभुज ही मिला है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ही मिला है। तो कितनी बार मिला है, तो तीन बार हमको कराना पड़ा घूर्णन, तो घूर्णन का क्रम हो जाएगा तीन। कोण हमने कितना घुमाया है, 120 घुमाया था ना, तभी हमारी सममित मिली थी, तो हमारा घूर्णन का कोण जो है वो 120 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट करिए। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अगला जो है वो इन्होंने हमको दिया है समषट्भुज। अब समषट्भुज क्या होता है भाई, समषट्भुज हमारी एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, और साथ ही 6 भुजाएं जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसी आकृति जो होती है वो हमारी समषट्भुज कहलाती है। अब उनको ढूंढना है घूर्णन का केंद्र, तो घूर्णन का केंद्र जो है वो हमको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके जितने भी विकर्ण हैं सबको हम एक दूसरे से जब मिलाएंगे तो हमको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, यही हो जाता है हमारा घूर्णन का केंद्र। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका घूर्णन का केंद्र हो जाएगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये हो जाएगा हमारा घूर्णन का केंद्र। अब ये कह रहे हैं घूर्णन सममित का क्रम बताना है, तो भाई हम अपना क्या बना लेंगे, एक षट्भुज जो है वो बना लेंगे, ठीक है। इसी में बड़ा सा बना देती हूँ, इसी में आप अच्छे से समझ जाएंगे। 6 आकृतियाँ जो हैं वो मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाली हूँ,
ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने अपना एक षटभुज बना लिया। अब हमें कोण किसी एंगल पे तो घुमाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एंगल कैसे निकलेगा, 360 को भाग करेंगे, छह भुजाएं छह से भाग करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री के एंगल पे हमें घुमाना पड़ेगा। इस तरीके से हम सभी विकर्णों को तो मिला ही लेते हैं, ठीक है, मिला लिया। मान लो पी पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ठीक है, और 60 हमारा यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, और ये आप जब बनाओगे ना तो बिल्कुल सही होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने 60 डिग्री का घूर्णन कराया, ठीक है, तो इस बार P जो है वो हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। फिर हमने 60 डिग्री का घूर्णन कराया, P हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फिर हमने 60 डिग्री का घूर्णन कराया, P हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फिर हमने 60 डिग्री का घूर्णन कराया, तो P हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फिर हमने 60 डिग्री का घूर्णन कराया, P हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हमने 60 डिग्री का घूर्णन कराया, तो P कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे वापस अपनी जगह पे आ गया। फिर 60 डिग्री का घूर्णन कराया, तो इस तरीके से हमारा होता है। तो हमने हर बार देखा, घूर्णन कराने पे हमारा आकृति जो है वो चेंज नहीं हुई। आकृति जब चेंज नहीं हुई तो मतलब हमारे घूर्णन का क्रम जो हो जाएगा, सममित घूर्णन का क्रम वो हो जाएगा 6। हमने 6 बार कराया था ना घूर्णन, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 हो जाएगा घूर्णन का कोण। हमने 60 डिग्री पे घूर्णन कराया है तो घूर्णन का कोण हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब इन्होंने अगला आकार जो दिया है वो दिया है वृत्त। तो वृत्त भाई क्या होता है, एक हमारा जो गोल आकृति होती है वही हमारी वृत्त होता है। अब इन्होंने वृत्त का केंद्र मतलब घूर्णन का केंद्र पूछा है, तो भाई वृत्त जो है इसके किसी भी हम कितने भी व्यास बनाए, ठीक है, कितने भी व्यास बनाए तो वो एक पॉइंट से ही काटते हैं सारे व्यास, ठीक है। तो कह लो ये जो हमारा वृत्त का केंद्र है वही हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। तो सिंपल से हम यहाँ पे यही लिख देंगे, वृत्त का केंद्र जो होता है वही हमारा घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है सममिति का क्रम बताना है, घूर्णन सममिति का क्रम। तो भाई वृत्त हमारा ये है, घूर्णन वृत्त का केंद्र हमारा ये है। मान लो पी पॉइंट जो था हमारा यहाँ पे था, हमने अब एंगल तो निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि वृत्त का एंगल ही हमारा 360 डिग्री है, और जब हम घूर्णन कराते हैं तो भी हमारा अगर पूरा घूर्णन कराएंगे तो भी हमारा 360 आता है। तो एंगल जो है हर पॉइंट पे हमारा रहेगा, मतलब कितने का हमने हल्का सा भी अगर घूर्णन कराया तो अगली बार जो पी है वो हमारा यहाँ पे पहुंच गया। अब ये जो एंगल है चाहे हम ज्यादा सा कराएं तो भी हमारा पी यहाँ पे पहुंचे जाएगा, पर आकृति जो है जितना भी हम घूर्णन कराएंगे आकृति जो है वो हमारी सेम ही रहने वाली है। मतलब घूर्णन समय कितना भी हम इतना छोटा सा घूर्णन कराए तो भी वो हमारा गोला रहेगा, हम पूरा घुमा दें तो भी हमारा गोला रहेगा। मतलब इसमें जो घूर्णन समय का क्रम जो है वो अनंत हो सकता है, मतलब इसको अनंत बार घुमा सकते हैं पर हमारा गोला गोले का गोला ही रहेगा। तो घूर्णन समय का क्रम जो है वो हो जाएगा अनंत, ठीक है, जिसको हम इनफाइनाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब घूर्णन का कोण, मतलब अब कोण की बात होती है तो ये कह रहे हैं, हमने आपको बताया ना कितने भी एंगल पे घुमा सकते हैं, मतलब इसका कोई एंगल डिसाइड ही नहीं है कि इस पे इसका सममिति आएगा। हर एंगल पे ये सममिति आकृति ही देता है, हर एंगल पे ही ये गोला ही दे रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी एंगल पर, यहाँ पे बस ये हम लिख देंगे किसी भी कोण पर ये सममित आकृति जो है वो दे देता है, मतलब इसका कोण जो है वो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा लास्ट पार्ट। तो अगली आकृति जो है वो इन्होंने दी है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त हमारा कुछ इस तरीके से होता है, अर्धवृत्त का मतलब आधा गोला, ठीक है, ये हमारी आकृति है। तो इस पार्ट को कराने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं भाई। आपको पता है साइंस वाले चैनल पे आपकी साइंस पढ़ाई जा रही है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की साइंस पढ़ाई जा रही है। साथ ही ब्लॉग चैनल पे ओजस की मस्तियाँ देखनी है तो वो देख लीजिए। 8 बजे डेली लाइव आते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव आते हैं पढ़ने, आपके छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं आपको क्लियर नहीं होते हैं वो आपको समझाने आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, ठीक है, सभी के लिए है, कोई भी क्लास के हो, ठीक है। और तीसरी बात हमारी ये है प्ले स्टोर
से हमारा ऐप जोजस स्टडी नाम से है डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री बुक्स, पीडीएफ, मेरे हैंड रिटन नोट्स, आपको कई सारे लेक्चर, मतलब हर यूट्यूब की, मतलब सारे लेक्चर जो हैं यूट्यूब के भी मिलेंगे। कुछ क्लासेस जो ऐसी हैं वो यूट्यूब पे नहीं कराऊंगी पर ऐप पे कराऊंगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स, नो और क्या कहते हैं सोल्यूशन, सब आपको वहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। किसी तरह का कोई पैसा ऐप में नहीं पड़ने वाला है, तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक और बात है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं घूर्णन का केंद्र, भाई वृत्त है ये, है तो अर्धवृत्त ही, तो घूर्णन का केंद्र भी वही होगा जो हमारा इसका केंद्र होगा, या कह लो व्यास का, व्यास का जो केंद्र होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन का केंद्र। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्यास का मध्य बिंदु या केंद्र, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो हमारा सही में होगा। ठीक है, घूर्णन का केंद्र हो गया। अब ये कह रहा है सममित का क्रम, भाई इसमें भुजाएं तो है नहीं, भुजाएं तो है नहीं, पर हमको घूर्णन तो करानी है। मान लो आपने थोड़ा सा हल्का सा घूर्णन कराया, ठीक है, मान लो आपने 90 डिग्री ही कराया, 90 डिग्री का आपने घूर्णन कराया, तो आपको कुछ इस तरीके की आकृति मिली। फिर आपने 90 डिग्री का कराया, ठीक है, फिर आपने 90 डिग्री का घूर्णन कराया, ठीक है, इधर आपने 90 डिग्री का कराया, फिर से आपने 90 डिग्री का कराया, तो आपको कुछ इस तरीके की आकृति मिली। फिर आपने 90 डिग्री का घूर्णन कराया, ठीक है, फिर आपको इस तरीके की आकृति मिली। फिर आपने 90 डिग्री का घूर्णन कराया, तब आपको वापस से ये आकृति मिल गई। मतलब आपने चार घूर्णन करा के देख लिए, पर आपको सेम आकृति, ये खड़ा है, ये इधर से खड़ा है, ये उल्टा है, मतलब आपको सेम आकृति नहीं मिली। तो क्या करेंगे, इस 90 को जब जोड़ेंगे तो हमारा एक पूरा घूर्णन हो जाएगा, और 90 सबको जोड़ने पर हमारा 360 ही आएगा। मतलब एक पूरा घूर्णन कराने पर हमको ये सेम आकृति मिलेगी। ठीक है, तो मतलब घूर्णन का क्रम जो है वो हमारा एक ही बार हमने पूरा पूरा घुमाया, इसलिए घूर्णन का क्रम हो जाएगा ये। एंगल जो है वो हमारा टोटल बना जाता है 360, तो ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है, घूर्णन का कोण। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना, बाय बाय।